अपने शरीर, मन और बुद्धि का बल बढ़ाओ, क्योंकि इस दुनिया में कमजोरों की कीमत नहीं होती। और इसी बल को बढ़ाने के लिए एक अनोखा रहस्य गौतम बुद्ध ने बताया था। वह रहस्य हम आज के कहानी के माध्यम से जानेंगे। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, शरीर में बल बढ़ाने की विद्या। दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही नियति की यहां जगह मिलती है, कमजोरों की यहां कोई जगह नहीं। ये बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वह आज के जमाने के इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आजकल के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है, आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है, और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस आहार होता है, और मांस आहार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी होता है। लेकिन यदि आप आज के समय पर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा एक चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है, उसके ऊपर वो नहीं खा पाएगा। लेकिन यदि हम पुराने जमाने के इंसानों की बात करें तो उस समय पर घी उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा, वो जितना वजन लेकर युद्ध भूमि पर लड़ते थे उतना वजन तो आज के 4 आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तब के जमाने के लोग सचमुच जीवन जीते थे और आज के लोग तो केवल जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहां की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उस सेना में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अत्यधिक पराक्रम था और वह उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वो इतना ताकतवर था कि एक साथ वो 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वो पहले 100 बार सोचा करता कि क्या उसे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता था कि वो बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हराना लगभग असंभव था। अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता, अपने राज्य के राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ उसे अच्छा होता वह उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मन में ये लालसा जगी, आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग कौन होगा। यह बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के दो पुत्र थे, जो बड़ा वाला बेटा था वो हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो, लाल लोगों से बोलना हो, आग से खेलना, हर तरफ की चालबाजी से वो संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वो बहुत जल्द उस विद्या को, उस कला को सीख जाता था। यदि हर कोई यही कहता कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था, जिससे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था, और उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि यह कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया लेकिन वह कभी भी कुछ सीख नहीं पाया। ना ही तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था, ना ही उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वो हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता। जब भी वो योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वो अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था। लेकिन जब भी कोई ये कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक योद्धा जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई ये कहता ये तो कमजोर है, आलसी है, ये भला क्या कर पाएगा, ये सुन उस योद्धा को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वो योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और यह दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इससे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरों के साथ पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वो योद्धा
अपने उस बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंचा। ये वही आश्रम था जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उस गुरु को भली भांति जानता था और ये भी जानता था कि वो गुरु उसके छोटे बेटे को शिक्षा अवश्य देंगे, जिससे वहां भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन सकता है। वो भी उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी है, शूरवीर है, ताकतवर है, पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये छोटा बेटा जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि अभी पराक्रमी बने, शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुण गाए। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने कई तरह के उपाय भी किए ताकि अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर, किसी में कोई कमी ना, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले, लेकिन यह अपने आलस के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया लेकिन यह है कि मेरी बातों को मानता ही नहीं। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता, मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूं। उस योद्धा की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु उस योद्धा से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे कुछ दिन के लिए मेरे पास यहां पर आश्रम में छोड़ना होगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तुम वापस इसे लेने जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वो पराक्रमी, वो ताकतवर बेटा मिलेगा जैसा तुम चाहते। वह गुरु अत्यधिक आत्मज्ञानी थे, बस उस योद्धा के पुत्र को देखकर यह समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है। इसे भी पढ़े गौतम बुद्धा की कहानी, चुप रहने के फायदे और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर वो एक ऐसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं सका था। बस उसे इस बात का एहसास करवाना ही काफी था। उस गुरु के कहने पर अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उस योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उन गुरु के आश्रम में रहने लगता है, यहां के सारे कामकाज करने लगता है, वहां पर वो सीखने लगता है, समझने लगता है और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर ऊपर की ओर बढ़ चलते। उस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर ले जाकर वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं पुत्र, तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज ये बात नहीं सीखी तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे और हमेशा लोग तुम्हें कमजोर और असहाय समझेंगे और उसी दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे घर जाने का वक्त भी करीब आ चुका है, इसलिए आज मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं, ये समझा सकूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वो गुरु उस पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो उस चील को, उस चील ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चील ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही थी, इतनी ऊंची जाती कि बादलों को चीर कर ऊपर बढ़ती ही चली जाती और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ दे। यदि वो छोटा सा बच्चा डर गया, उसे इस समय मुक्त चील ने अपने ही बच्चे को इस तरह से नीचे क्यों फेंक दिया। गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उस चील ने अपने उस बच्चे को नीचे की ओर छोड़ा, वो बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था और वह जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किए कि वो अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा की उस रुख का फायदा ले सके, वह भी उड़ सके, लेकिन उसके कई अथक प्रयास के बाद भी उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे और वह एक पत्थर की भांति तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा था, उसकी मां भी ठीक उसके पीछे ही थी, उसने ऊपर से अपने पंजे में फिर एक बार अपने उस बच्चे को पकड़ लिया। एक बार फिर वो चील अपने उस बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ती चली जाती है और फिर से वो ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को ठीक उसी प्रकार छोड़ देती है। ये देख उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी चील अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा,
चील लगातार इसी प्रक्रिया को दोहरा रही थी। गुरु अपने उस शिष्य का हाथ पकड़ते हुए बस पेड़ की ओर आगे बढ़े जहां पर वह चील रहा करती थी, और उस जगह को दिखाते हुए वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं कि इस जगह को ध्यान से देख लो, ठीक इसी जगह पर वह चील और उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात और गौर की, इस पेड़ पर तुम्हें अनेकों फूल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहां पर ये चील और इसका बच्चा रहता है वहां पर तुम्हें एक भी फूल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते और वह चील चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहां पर रहती है उसे रख सकती थी, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक पक्षी बनेगा, लेकिन जब वह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा, और एक चील के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सहनी पड़ती हैं, ताकि वन्य पक्षियों की तरह कोमल न बने, क्योंकि वह एक चील का पुत्र है और उसे चील की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वो बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उसमें चील वाले वो स्वभाव नहीं होंगे और ना ही उसे कोई चील का पुत्र कह सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो, यदि तुम चाहो तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम फूलों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो इसलिए तुम्हें भी कांटों की राहों पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप को शूरवीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसा ही ये चील भी कर रही है, वह भी अपने पुत्र को पराक्रमी और शूरवीर बना रही है। वो अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखा रही है, वह बार बार जाकर अपने बच्चे को इसीलिए नीचे पटक रही है ताकि उसका बच्चा खुद बखुद उड़ान भरना सीख ले। जब भी चील किसी को जन्म देती है तो हर बार उसे वही सिखाना चाहती है जो उसने सीखा है, वह एक चील होने का उसे एहसास कराना चाहती है। किंतु यदि वही पुत्र किसी और पक्षी के घर पर जन्म लेता तो उसे इस तरह की यातनाएं ना सहनी पड़ती, उसे इस तरह से किसी भी क्रिया से ना गुजरना पड़ता। वह फूलों के घोंसले में रह सकता था, वह फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है, एक नियति होती है, कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वो पराक्रमी होगा, शूरवीर होगा, और उसे वो सारे हुनर, वो सारे पराक्रम सीखने ही होंगे। ठीक उसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र, एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र, इसलिए तुम्हें भी वह हुनर सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम भी एक दिन फूलों में जीकर फूलों में ही मर जाओगे। ये सब देखकर वो पुत्र उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम की ओर कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे यह पता चल चुका है कि मैं एक शूरवीर योद्धा का पुत्र हूं और मुझे अपना जीवन इसी तरह से जीना है, मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो और इसे तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा, जो कुछ तुमने अभी उस चील से सीखा है वह तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख है जिससे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम एक चील नहीं हो और चील की बच्चों की तरह तुम इन ज्ञान को भी अर्जित नहीं कर सकते। आखिर तुम एक इंसान हो और तुम्हें इंसानों की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी होगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि एक शूरवीर हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखता है, वो हमेशा अपने शरीर को चुस्तीला और फुर्तीला बनाए रखता है, जिसके कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर है उसका अभ्यास करना। जिस प्रकार तुम्हारे पिता एक योद्धा हैं पर सुबह उठकर अपने सभी हुनरों का अभ्यास करते, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा, योगा प्राणायाम करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और जितना तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ बना पाओगे। और तुम्हें एक बात और याद रखनी होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है उतना ही तुम्हें अपने भीतर के शरीर का भी ध्यान रखना है, अर्थात अपनी मानसिक शक्ति का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, इसे भी बढ़ाना होगा। और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी, इसलिए हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह उठकर प्राणायाम करना,
हमेशा सुबह उठकर योगा करना। ये तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे और यदि इसके बाद भी तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तुम इस आदत को नहीं अपना पाते, तो मेरा एक और सबक याद रखना, जिस दिन तुम उठने में लेट हो जाओ, अर्थात जितना समय तुम देरी से उठो, अपने शरीर पर उतने ही कोड़े मरवाना। जब तुम ये क्रिया 4 से 5 दिन करोगे तो तुम खुद ही अपने आप में वो बदलाव देख पाओगे कि तुम अपने आप ही अपने समय पर उठना शुरू कर पाओगे। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना ही खाना है। ऐसी चीजें कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमेशा तुम स्वस्थ खाना ही खाना, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। तुम भोजन अपने शरीर के लिए करना, ना कि अपनी जीभ के लिए, ना ही स्वाद के लिए। अगली बात, वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, कोई ऐसा विषय हो जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, तो ऐसी बात अपने घर परिवार में अवश्य बताना। यदि तुम इन बातों को अपने मन में रखते हो तो ये बातें तुम्हें मन ही मन कमजोर बनाती चली जाएगी। शरीर को अंदर से साफ करने का एक अचूक तरीका, ये चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी और तुम खोखले होते चले जाओगे। और याद रखना, जब हमारा मन बीमार पड़ता है तो वो हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। इसलिए कोई भी बात कभी छुपा कर मत रखना। हर बात अपने घर वालों और अपने परिवार को अवश्य बताना आगे। वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में आने गत देना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सभी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। जीवन इसी प्रकार चलता है। तुम्हारे जीवन में समय चाहे कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता से उसका सामना कर सको और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगली बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, क्यों तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि एक योद्धा यदि चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है, और तुम्हारी मुस्कुराहट से ही सबको ताकत मिलती है। तुम एक शूरवीर योद्धा के पुत्र, तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मुस्कुराते रहना ही तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए उचित है, और ये तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है, ये तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। गुरु अपने उस शिष्य को आखिरी सीख देते हुए कहते हैं, हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना, तो इससे कभी पीछे मत हटना। तुमने देखा होगा कि राजा महाराजा ऐसे होते हैं, क्यों दान के समय पर उनसे जो मांगा जाए वो सब देने के लिए तैयार हो जाते, फिर चाहे आप उनका राजपाट ही क्यों ना मांग लें। दान पुण्य करना अत्यधिक जरूरी है, और ऐसा नहीं कि दान में तुम केवल धन ही दो, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो। इसलिए दान पुण्य के समय पर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, हमारा मन बहुत खुश होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और ये खुशी हमारे शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। लोगों में यह गलत धारणा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दान करते हैं तो इससे हमारी संपत्ति घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटना। जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसा भी तुम्हें मौका मिले, तुम दान अवश्य करना। इतना कहकर गुरुवर शांत हो गए और शिष्य उन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरु, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, ये शिक्षा मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा, इसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। हे गुरु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूं। इतना कहकर वह शांत हो जाता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हुए उस शिष्य को उसके घर जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन विश्वनगर राज्य का मंत्री माधव बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दरबार में आया। उसने बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। उसे देखकर राजा चंद्रसेन बोले, माधव, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? महाराज, कोई खास बात नहीं है, माधव प्यार से बोला। नहीं, आज मुझे तुम कुछ अलग लग रहे हो। वैसे एक बात है, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत साधारण था। माधव बोला, महाराज, प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ बदलता है, विशेषतः जब उसके पास थोड़ा बहुत धन भी हो। मैंने आपके द्वारा दिए गए उपहारों से काफी बचत कर ली है। राजा बोले,
तब तो तुम्हें अपनी बचत का कुछ भाग दूसरों को भी देना चाहिए। माधव बोला, महाराज अभी मैंने दूसरों को देने के लायक पर्याप्त बचत नहीं की है। यह सुनकर राजा ने माधव की दान न करने की प्रवृत्ति के लिए उसे काफी लताड़ा। माधव ने जब देखा कि उसकी बात का राजा बुरा मान गए हैं, तो उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए महाराज से पूछा कि उसे क्या दान करना चाहिए। माधव, तुम एक भव्य घर बनवाओ और उसे दान दो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, राजा ने कहा। माधव ने राजा की बात मान ली। अगले कुछ माह तक वह एक भव्य मकान बनवाने में व्यस्त हो गया। जब वह भव्य मकान बनकर तैयार हो गया तो माधव ने मकान के ऊपर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, यह घर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो अपने जीवन में मात्र उतने में ही प्रसन्नता महसूस करता हो जितना उसके पास है। कई लोगों ने उस तख्ती को पढ़ा परंतु कोई भी मकान लेने नहीं आया। एक बार एक निर्धन व्यक्ति को उस घर के बारे में पता चला। उसने सोचा कि क्यों न वह उस मकान को प्राप्त करने की कोशिश करे। यह सोचकर वह माधव के घर पहुंचा। उसने बाहर लगी तख्ती को बार बार पढ़ा। उसने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं जो इस मकान को लेने नहीं आ रहे। वह घर में गया और बोला, श्रीमान मैंने घर के बाहर टगी तख्ती को पढ़ा है। मैं दावा करता हूं कि मैं सबसे प्रसन्न व संतुष्ट व्यक्ति हूं। अंततः मैं इस मकान का अधिकारी हूं। इस पर माधव हंसा और बोला, यदि इस घर के बिना तुम प्रसन्न और संतुष्ट हो तो फिर तुम्हें इस घर की क्या आवश्यकता है, और यदि तुम्हें आवश्यकता है तो फिर तुम्हारा दावा गलत है, क्योंकि अगर जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम इसे क्यों मांगोगे। निर्धन व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हो गया। उसके बाद उस मकान को मांगने के लिए कोई नहीं आया। अंत में माधव ने सारी कथा राजा को सुनाई। राजा बोले, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, परंतु अब तुम उस मकान का क्या करोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और ज्यादा पाने की लालच में हम जो है वह भी गवा देते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक दिन राजा चंद्रसेन ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। मंत्री माधव बोला, हुजूर आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। चंद्रसेन और माधव ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे, फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। माधव ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो माधव बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा रहूंगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा, हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा, बोलो तैयार हो। ये सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह माधव से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब माधव व चंद्रसेन बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, माधव दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह पुण्य कमाएंगे। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब माधव उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहां से, जाने कहां से आ जाते हैं मांगने। तब माधव राजा से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता,
इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। माधव ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहां से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब माधव बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद है। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास ना हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर राजा चंद्रसेन बेहद खुश हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक होते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए, जिसका परिणाम हमें भी अच्छा ही मिलता है। तो जीवन में सभी लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। शाम ढलने को थी, सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी माधव ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। माधव उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, बेहिचक कह डालो, जो कहना है मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। माधव ने कहा, नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा। यदि तुम हिम्मत ना हारो और परिश्रम करो, तुम्हें भी योग्यता है, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए, प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। माधव बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया, नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है। मोटे आदमी ने कहा, मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूं। ठीक है, माधव बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है, कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना, मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे, इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है, तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी माधव के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी माधव के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। माधव के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आधम का। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था, वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से माधव के पास जा पहुंचा। वह बोला,
मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख माधव हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं? क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना, शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति जल्द सफल होने का आसान मार्ग ढूंढते बैठ कार्य नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल ही साबित होता है। कार्य करना महत्वपूर्ण है, न कि फल की आकांक्षा करना। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, राज्य में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। वे बचपन से ही कामचोर थे। उनके इधर पड़े रहने के पीछे का कारण उनका आलसी रवैया था। जब भी उन्हें काम करने के लिए कहा जाता तो वे अपने आलसी रवैये के कारण सो जाते थे। रामू और श्यामू की माँ उनसे तंग आ चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने बच्चों को कड़ी मेहनत कराने के लिए उसे क्या करना चाहिए। एक दिन टिम और जॉर्ज आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके बीच में एक आम गिर गया। चूंकि उन दोनों को बहुत आलस्य महसूस हो रहा था, इसलिए उनमें से किसी ने भी आम तोड़ने का प्रयास नहीं किया। वे आम को देखते ही रह गए। रामू और श्यामू जब वे विश्राम कर रहे थे तो राज्य का मंत्री उसी रास्ते से गुजर रहा था। मंत्री को देखते ही रामू ने मंत्री से कहा, नमस्कार मंत्री जी, हमें आपसे एक अनुग्रह की आवश्यकता है। रामू ने उत्तर दिया, क्या आप दोनों गंभीर हैं? रामू ने आगे कहा, यदि संभव हो तो क्या आप कृपया मुझे यह आम दे सकते हैं? मंत्री को रामू बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा, आम आपके सामने पड़ा है, आप इसे स्वयं चुन सकते हैं। रामू ने उत्तर दिया, सर मेरे लिए यह संभव नहीं है। इसे हासिल करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यह कैसी मेहनत है? मंत्री ने जवाब दिया और कहा, आप अपने शरीर को 2 इंच आगे नहीं झुका सकते। जिस पर रामू ने उत्तर दिया, हां सर, यही एकमात्र समस्या है, काम करना किसे पसंद है? कृपया हमें आम दीजिए। मंत्री को उनका शांत रवैया पसंद नहीं आया और वे नाराज हो गए और चले गए। रामू और श्यामू अपने पद पर बरकरार रहे। इसके बाद मंत्री रामू और श्यामू के घर गए और उनकी मां से मुलाकात की। उनकी मां ने दावा किया कि वह नहीं जानती कि उन्हें कैसे बदला जाए। मंत्री ने उनकी मां से उन्हें अपने महल में भेजने के लिए कहा। रामू और श्यामू दोनों दूसरे दिन महल गए और राजा से मिले। राजा ने रामू और श्यामू से कहा, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ विशेष काम है। कल से तुम दोनों महल के एक छोर पर पहरा दोगे। क्योंकि आप दोनों को इतना काम करना पसंद नहीं है, इसलिए आप यह काम कर पाएंगे। मंत्री ने उन दोनों से सावधान रहने को कहा, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारी कीमती सामग्री है जिसकी रखवाली रामू और श्यामू करेंगे, और हम किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं चाहते हैं। फिर रामू और श्यामू महल की रखवाली करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे बैठ गए और सो गए। उनकी लापरवाही के कारण महल का वह छोर लूट लिया गया। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने मंत्री को अपने सामने खड़ा पाया। मंत्री उन पर चिल्लाए और अपनी निराशा व्यक्त की। मंत्री ने जोर देकर कहा, आपके आलस्य के कारण मंत्री जी को कल रात भारी नुकसान हुआ है। तुम दोनों अब मृत्युदंड के योग्य हो। जैसे ही उन्होंने मंत्री की बात सुनी, रामू और श्यामू दोनों घबरा गए। जैसे ही उन्हें शेर के सामने पेश किया जाता है, वे राजा को प्रणाम करते हैं और अपनी जान की दुहाई देते हैं। उनकी दलील सुनने के बाद राजा ने रामू और श्यामू को माफ कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, हर क्षण अपना काम करने में ही गुजरना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे पांचवें कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, बहुत समय पहले एक गांव में जैक नाम का एक चित्रकार रहता था। जैक अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते थे। हालांकि जैक एक गरीब आदमी था और वह एक चित्रकार था। उनकी कमाई बहुत कम थी।
उनका जीवन संघर्षों से भरा था और पूरे दिन की कड़ी मेहनत से उन्हें दिन में केवल 2 बार भोजन मिल पाता था। उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट की कामना की गई ताकि वह ज्यादा कमाई कर सकें। जैक छोटे छोटे कार्यों के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध था। एक दिन गांव के जमींदार ने जैक को बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो जैक, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है, क्या आप इसे करना चाहते हैं? जैक ने उत्तर दिया, जरूर सर, मैं यह जरूर करूंगा, बताओ क्या काम है। तब मकान मालिक ने अपनी आवश्यकताएं व्यक्त की और चाहा कि जैक नदी तट के पास उसकी नाव को पेंट करे। वह चाहता था कि काम आज ही खत्म हो जाए। जैक ने उत्तर दिया, ठीक है सर, मैं आज ही काम पूरा कर लूंगा। काम मिलने से जैक बहुत खुश था। बाद में मकान मालिक ने जैक से काम के लिए उसके शुल्क के बारे में पूछा तो जैक ने जवाब दिया, मैं आमतौर पर इस काम के लिए 1500 रुपये लेता हूं, बाकी आपको तय करना है। मकान मालिक ने जैक की 1500 रुपये की बात मान ली और कहा कि काम अच्छा होना चाहिए। जैक ने मकान मालिक को आश्वस्त किया और चिंता न करने को कहा। फिर मकान मालिक जैक को अपनी नाव दिखाने के लिए नदी के पास ले गया। नाव देखने के बाद जैक ने मकान मालिक से कुछ समय मांगा क्योंकि वह अपनी सामग्री और सामान लाने के लिए चला गया। जैसे ही जैक अपना सामान लेकर लौटा, उसने नाव को पेंट करना शुरू कर दिया। जब जैक नाव को पेंट कर रहा था तो उसने नाव में एक बड़ा छेद देखा। जैक ने सोचा कि अगर वह छेद को ठीक किए बिना नाव को पेंट करेगा तो नाव डूब जाएगी, और उसने पहले छेद को बंद करने और फिर अपनी पेंटिंग जारी रखने का फैसला किया। जैक ने फिर छेद को बंद कर दिया और बाद में पूरी नाव को पेंट कर दिया। फिर वह मकान मालिक के पास गया और उसे बताया कि काम खत्म हो गया है। मकान मालिक सहमत हो गया और जैक को अपने साथ नाव तक चलने के लिए कहा। वे किनारे पर पहुंचे और मकान मालिक ने नाव देखकर जैक से कहा, वाह जैक, आपने सराहनीय कार्य किया है, मुझ पर एक उपकार करो, कल सुबह मेरे पास आओ और अपनी मजदूरी ले जाओ। फिर दोनों सीधे अपने घर चले गए। एक दिन बाद मकान मालिक का परिवार उसी नाव में बैठकर घूमने गया। बाद में शाम को मकान मालिक का नौकर चार्ली छुट्टी से लौटा और उसने सभी के बारे में पूछताछ की क्योंकि उसे घर में कोई नहीं मिला। मकान मालिक ने उसे सारी बात बताई। मकान मालिक की बात सुनकर चार्ली तनाव में आ गया। चार्ली को तनाव में देखकर मकान मालिक ने पूछा, क्या हुआ चार्ली, आप इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? चार्ली ने उसे नाव में छेद के बारे में बताया। यह सुनकर मकान मालिक घबरा गया। कुछ ही मिनटों में मकान मालिक का परिवार दिन भर की यात्रा के बाद वापस घर लौट आया। अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी तरह ठीक देखकर मकान मालिक ने राहत की सांस ली। अगले दिन मकान मालिक ने जैक को बुलाया और उससे कहा, जैक अपना वेतन ले लो, कमाल कर दिया, मैं आपके काम की गुणवत्ता से बहुत खुश हूं। पैसे गिनने के बाद जैक बहुत आश्चर्यचकित हो गया। यह रकम उससे अधिक थी जिसके लिए उसे नौकरी पर रखा गया था। जैक ने मकान मालिक से कहा, सर आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं जैक, मैंने तुम्हें कोई अतिरिक्त रकम नहीं दी है, इसे ले लो, तुम इस पैसे के हकदार हो, यह सब तुम्हारा है, मकान मालिक ने कहा। जैक ने फिर सवाल किया, लेकिन सर हम केवल 1500 रुपये में सहमत हुए, ये 6000 रुपये हैं, यह कैसे सही समय है? बाद में मकान मालिक ने जैक को समझाया कि पैसे में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि जैक ने बहुत अच्छा काम किया है। जैक भ्रमित हो गया। फिर मकान मालिक ने आगे कहा, तुमने नाव में वह छेद बंद कर दिया जिसके बारे में मैं पूरी तरह से अनजान था। यदि आप चाहते तो छेद को वैसे ही छोड़ सकते थे या अधिक पैसे मांग सकते थे, लेकिन आपने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। आपके द्वारा छेद बंद करने के कारण मेरा परिवार नाव में सुरक्षित यात्रा कर सका। यदि आपने गड्ढा बंद नहीं किया होता तो मेरा परिवार डूब सकता था। आपकी वजह से ही वे सुरक्षित हैं, इसलिए यह पैसा आपके लिए है, आपकी मेहनत के लिए है, आपकी ईमानदारी के लिए है। जैक पैसे और मकान मालिक की दयालुता से बहुत खुश हुआ। इसके बाद जैक ने मकान मालिक को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।